हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इनिशिएटर एकेडमी। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स वी एंड PCl5 गिव्स सी, वी एंड सी रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाइथाइल ईथर, ए वी सी आर इन द ऑर्डर। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम। ए का ट्रीटमेंट अगर हम सोडियम के साथ कर रहे हैं, हमारे पास क्या बन रहा है, बी। और बी का ट्रीटमेंट हम PCl5 के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास बन रहा है सी। और बी और सी आपस में रिएक्ट करके हमारे पास बी एंड सी रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम डाइथाइल ईथर देते हैं। तो डाइथाइल ईथर क्या होता है, CH3CH2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन, CH2 और CH3। इसका मतलब जो है वो एक हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और एक हमारे पास एल्कोहल है, क्योंकि ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो रहा है। कौन सा सिंथेसिस, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो पहला कंपाउंड तो कोई डाउट नहीं है हमारे पास होना चाहिए, दैट इज एल्कोहल। सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे आएगा C2H5O-, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया, ये रिएक्शन बन गया यहाँ पे। अब ये देखो, अगर हम यहाँ पर दिया ए ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स बी एंड विद PCl5, ए का ट्रीटमेंट ही हम PCl5 के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास सी बन रहा है। सी बन रहा मतलब C2H5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज Cl, इथाइल क्लोराइड बन रहा है। अब इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये बनेगा C2H5O-, यहाँ से आपके पास आ जाएगा Na+, प्लस यहाँ से आ जाएगा दैट इज C2H5, यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट इज Cl। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इधर से इधर चला जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C2H5 ऑक्सीजन, यहाँ से आ जाएगा C2H5, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा दैट इज NaCl। तो ये जो कंपाउंड आपके पास बना है, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, दैट इज डाई इथाइल ईथर जो है, ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। तो कैसा कंपाउंड आ गया यहाँ पर, डाई इथाइल ईथर जो है ये कंपाउंड बन गया। तो इसका मतलब आंसर क्या बन गया, दैट इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ से बनेगा। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।